राम मंदिर को नहीं राजनीति एनसीपी मुख्य शरद पवार विवादियों बयान बयान रे प्रधानमंत्री को टार्गेट लोकों को लागुची राम मंदिर हेले कोरोना चल जिवो लॉकडाउन रे आर्थिक क्षति कथा भी उठाई शरद पवार अयोध्या भगवान रामों मंदिर निर्माण कार्य नहीं आरंभ हो सारी प्रक्रिया मंदिर निर्माण पर भूमि पूजन आसंता मसदेवे प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट रे राम मंदिर निर्माण प्रसंगे पूर्णच्छेद पड़ा पर नुआ विवाद आरंभ कर एनसीपी मुख्य शरद पवार कहु कहु पवार अनेक कथा कही मंदिर निर्माण को महामारी कोरोना सहित जोड़ी सीधा सड़क से प्रधानमंत्री को टार्गेट करपटे पवार दुर्भाग्यजनक मंतव्य को साधारण असंतोष देखाई सोशियाल मीडिया अनेक लोक बयान को निंदा करपटे पवार बयान को नहीं जवाब रखी बीजेपी केन्द्रमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते सारा विश्व में रामभक्त चाहूंगे अयोध्या राम मंदिर हो जहाँकि एक शुभ संकेत तेज आज भी जदि किसी लोके बुझीपना तेज यहाँ दोष देखिए मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज हिंदुस्तान पर अगर नाज है तो वो भगवान राम की वजह से है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वजह से इस बात को अगर कुछ लोग नहीं समझते न समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है उनकी अपनी समस्या है लेकिन हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये चाहता था कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में राम जन्मभूमि पर होना चाहिए और वो हो रहा है एक अच्छा और एक शुभ संकेत है। मैं श्री शरद पवार के बयान से सहमत नहीं इसलिए पूरे देश को बंद रखना लॉकडाउन में रखना ये किसी को उचित नहीं लग रहा सबको लग रहा है कि इकोनॉमी रिवाइव होनी चाहिए व्यापार और काम धंधे चालू होने चाहिए उद्योग बढ़ना चाहिए कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की सारी सावधानियां रखते हुए उसी प्रकार सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक कामों को भी करते रहना होगा और इसलिए ये बहुत उचित है कि स्वयं प्रधानमंत्री उस मंदिर की भूमि पूजन के लिए आए निर्माण के जो 492 साल से प्रतीक्षा सेपटे आसंता अगस्त 5 रे अयोध्या जीवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिन श्रीराम मंदिर निर्माण पूर्व जमी पूजन उत्सव अनुष्ठित होबो। रिपोर्ट द अर्गस डॉट इन।